हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप किसी बड़ी वीडियो फाइल के साइज को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, यानी अगर कोई जीबी की फाइल है तो उसको आप एमबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टूल को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। उस टूल का नाम है हैंडब्रेक। तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है हैंडब्रेक डाउनलोड या हैंडब्रेक डाउनलोड फॉर पीसी। आपको इस तरीके से जो है सर्च करना है गूगल पे और आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये लिंक जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जंप करा देगी। तो देखिए, हैंडब्रेक जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ओपन सोर्स है और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। तो हम अपने केस में विंडोज़ का 64-bit वर्जन जो है डाउनलोड करेंगे और ये पोर्टेबल वर्जन में भी अवेलेबल है। तो सबसे अच्छी बात इस टूल की ये है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही छोटा है साइज में, लाइट वेटेड है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, 15-16 MB का मात्र टूल है ये। अब ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है इस टूल के साथ, जैसे ही आप किसी भी फाइल के साइज को कंप्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स आपका टाइम और आपका पैसा, डेटा सब बचता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, आपको सिंपल बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसका, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और हम इसका एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को जो है हम रन करते हैं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इसको यस कर देते हैं कि हर हफ्ते जो है अपडेट चेक करता रहेगा। तो उसको हमने फिलहाल यस कर दिया है और इसका इंटरफेस जो है कुछ इस टाइप का जो है आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे सिंपली ब्राउज करके भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेरे पास एक फ़ाइल है वीडियो की, इसको जो है मैं इसके अंदर अपलोड करता हूँ। तो देखिए, ये फाइल है, लेकिन इस फाइल को मैं यहाँ पे एनकोड करने से पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी शो कर देता हूँ। तो इस फाइल की आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये फाइल जो है 1.4 GB की है, यानी 1.4 GB की। अब इसको जो है हम देखते हैं कि ये कैसे जो है कंप्रेस करेगा, क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्वालिटी तो हम लास्ट में कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर वीडियो को इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जो है इसके बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे कि आपको जो है कहाँ किस चीज़ के लिए, अगर आपको उसको अपलोड करना है, मोबाइल के लिए अलग है, वेब वर्जन के लिए अलग है। आप अगर खुद का चाहे तो खुद का कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने केस में HD बाई डिफ़ॉल्ट जो है सेट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। यहाँ पे हमने MP4 स्टार्ट किया है। अगर आप YouTube या किसी दूसरी स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे अगर कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, वेब ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक जरूर करना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है ऐसे ही छोड़ देने हैं। अगर आप कहेंगे तो इन ऑप्शन के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एनकोडर, आपको यहाँ पर H264 जो है सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्वालिटी में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नंबर है ध्यान रखना आप 16 से लेके 22 के बीच में ही नंबर को रखना, क्योंकि इसी बीच में साइज़ जो है काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी कम हो जाएगा इसका जो टोटल साइज़ है। और बाकी सारे ऑप्शन आपको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है छोड़ देने हैं। अब यहाँ पर जो है ये लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है, इस लोकेशन पर जो है आपकी फ़ाइल जो है सेव होगी, ये तार ध्यान रखना। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया है और ये एनकोडिंग होना जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यह प्रोसेस जो है फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छी बात है जब आपकी वीडियो का साइज़ छोटा हो जाएगा, अपलोड करोगे तो आपकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छे से बूस्ट होगी, आपका डेटा सेव होगा, पैसा सेव होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे सेव जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ाइल जो है हमने यहाँ पर सेव कर रखी थी, कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम फाइल के पास चलते हैं और देखते हैं कि फ़ाइल का जो साइज़ है वो क्या है। तो देखिए, कम्प्लीटली ये जो है एनकोड हो चुकी है वीडियो। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका साइज़ हमें क्या देखने को मिलता है। तो माय गॉड, देखिए फ्रेंड्स, 376 MB, यानी 376 MB साइज हो गया है इसका। पुरानी वाली साइज़ का जो फाइल था उसका 1.43 GB साइज़ था और नई का 376 MB। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसको हम प्ले करके भी देख लेते हैं क्वालिटी में क्या इशू है क्या नहीं। तो इसको प्ले करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तो आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट होने के बाद की आउटपुट था। पुरानी वीडियो का आउटपुट भी देख लेते हैं कि पुरानी वीडियो का आउटपुट क्या था। तो चलिए इसको भी प्ले करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज तो देखा फ्रेंड्स आपने कि आपको क्वालिटी में कोई भी इशू जो है देखने को नहीं मिला होगा। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो के फाइल के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टूल है, इस टूल का आप यूज़ कीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया।